powered by Techno. स्टॉक एक्सरे, आजकल आईपीओ मार्केट गर्म है तो इसी से जुड़ी कंपनियों पर बात करना जरूरी हो गया है। और एक ऐसी कंपनी जिसको कि हम रोज़ सुनते हैं कि क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, स्विगी और जोमेटो, तो जोमेटो को तो लिस्टेड है लेकिन स्विगी का आईपीओ आ रहा है तो काफ़ी हलचल हो चुकी है लोगों के मनों में भी, क्योंकि स्विगी का आईपीओ आएगा तो क्या इसको सब्सक्राइब करना है, कब तक आएगा आईपीओ, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। अगर हम देखें तो स्विगी का 10,414 करोड़ रुपए का आईपीओ जल्दी आ सकता है, एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो नवंबर है। हालांकि डीआरएसपी रिवाइज फाइल हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, लेकिन नवंबर में आने की उम्मीद स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है। 6,664 करोड़ रुपये का ओएफएस होगा इसमें 10,414 करोड़ रुपए में, और उसमें बाकी जो अमाउंट होगा वो फ्रेश इक्विटी होगा, यानी कि नए शेयर जारी होंगे। अगर हम देखें तो अनलिस्टेड मार्केट में जो ये शेयर की रेंज चल रही है वो 480 से 490 रुपए चल रही है। अगर हम जुलाई से और सितंबर तक का रेट देखें तो उसमें करीब 40% का मूव ऑलरेडी अनलिस्टेड मार्केट में स्विगी के शेयर में आ चुका है। तो ये शेयर करीब 350 के आसपास चल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में, अब 490 की रेंज तक आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 40% का जंप इस काउंटर में है। अगर हम देखें तो शेयर में बॉलीवुड स्टार्स भी एंट्री कर चुके हैं, पहले ही माधुरी दीक्षित, अमिताभ बच्चन जैसे सितारे भी ऑलरेडी इस काउंटर में निवेशित हैं। अगर हम देखें तो स्विगी की अगर हम वैल्यूएशन देखें वर्सेज जोमेटो, तो एक बार उस एनालिसिस को भी समझ लेते हैं कि कितना अंतर है स्विगी और जोमेटो की वैल्यूएशन में। तो वैल्यूएशन में स्विगी की जो इस समय नॉन लिस्टेड मार्केट के हिसाब से जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखें तो $14 बिलियन की है, जबकि जोमेटो की कल की क्लोजिंग के हिसाब से करीब $30 बिलियन की है। वहीं शेयर प्राइस 480 से 90 की रेंज में स्विगी का चल रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, और जोमेटो का 250 रुपये के करीब चल रहा है कि इंडियन मार्केट में। वहीं देखें रेवेन्यूज़ में तो यहाँ पर करीब 11,247 करोड़ रुपये स्विगी के थे और जोमेटो के 12,961 करोड़ रुपये के थे। स्विगी लॉस में है 2,256 करोड़ रुपये के और जोमेटो 351 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है, और स्विगी का जो मार्केट शेयर है वो 45% है और जोमेटो का मार्केट शेयर 55% है। तो ये एक जोमेटो चूंकि प्रॉफिट में 351 करोड़ रुपए के और स्विगी का जो लॉस है वो 2,256 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर देखें तो वर्ल्ड की जो टॉप फूड डिलीवरी करने वाली कंपनीज हैं उनकी वैल्यूएशन देख लेते हैं एक बार। डोडैश ये अमेरिकन कंपनी है, इसकी वैल्यूएशन करीब $59.4 बिलियन है, ये सेप्टेम्बर की वैल्यूएशन है। जोमेटो की वैल्यूएशन करीब $30 बिलियन की है। ऊबर ईट्स ये भी अमेरिकन कंपनी है, $20 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। डिलीवरी हीरो ये जर्मन कंपनी है, वहाँ की टॉप जो फूड डिलीवरी कंपनी, उसकी वैल्यूएशन करीब $9.34 बिलियन है। स्विगी की इंडियन मार्केट में वैल्यूएशन करीब $14 बिलियन है। प्रशांत सर, अगर मैं देखूँ स्विगी के आईपीओ में क्या करें, लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन मार्केट शेयर के लिहाज से जोमेटो को पूरा टक्कर देती है। दूसरा, जब जोमेटो आई थी तो उस समय उसकी भी हालत इसी तरह थी कि लॉस में थी कंपनी, लिस्ट हुई फिर धीरे धीरे प्रॉफिट में आ गई है। सर कैसे देखें स्विगी को? सर इसको अपने को इंडस्ट्री समझना पड़ेगा। मुझे लगता है जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन फूडिंग इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ा बनने वाला है अगले 10 साल का। अगर स्टोरी मानते हो तो ऐसे कंपनियों को वैल्यूएशन बहुत ही बढ़ने वाला है। आज की तारीख में आप देखोगे दे आर ऑलमोस्ट मैनेजिंग 50-50% मार्केट शेयर इक्वली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो। मुझे लगता है 12,000 करोड़ के आसपास दोनों का सेम है। यस, एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है। ऑब्वियसली ये कंपनियों में स्टार्टिंग जो उनका पीरियड होता है उसमें कैश बर्न बहुत होता है फॉर एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स एंड ऑल, बट दोनों के लिए जो एड्रेसेबल मार्केट है दोनों सेम है। तो कट टू कट फाइट चलेगा इन टर्म्स ऑफ देयर प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग द कस्टमर्स। मेरे हिसाब से सब्सक्राइब करना चाहिए सीबी में, स्विगी में, और अगेन जोमेटो में भी होल्ड करना चाहिए बिकॉज इन्होंने स्टार्ट ए से किया है। मुझे लगता है कि ये जो अगले 10 साल का जर्नी है इनके पास बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। ई कॉमर्स को भी ये लोग टैप कर सकते हैं। अभी टाइम बीइंग तो फूड डिलीवरी कर रहे हैं, इंस्टेंट डिलीवरी कर रहे हैं फॉर ग्रोसरीज एंड ऑल। गोइंग फॉरवर्ड ये जो बिजनेस मॉडल है इट कैन ग्रो मल्टीफोल्ड। तो मुझे लगता है एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज
कभी भी कुछ भी रेगुलेशन आ सकते हैं ऐसे इंडस्ट्री में जहां पे दो ही प्लेयर हैं जो 100% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, तो ऐसे कुछ रेगुलेशन आते हैं तो थोड़ा करेक्शन इससे प्राइसिंग में आ जाता है और इनको एक्वायर करने के लिए कस्टमर्स को बहुत कैश बर्न करना पड़ता है। बट आज के तारीख में आप देखो, आप और हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं ये चीजों को, छोटे मोटे ग्रोसरीज को भी यूज करते हैं और फूड डिलीवरीज को भी यूज कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इट्स अ हैबिट पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट कंसिडरिंग 5 to 10 years एज ए स्टोरी, यू हैव टू बी इन द कंपनी एज ए इन्वेस्टर, नॉट एज ए शेयर बायर। तो अगर वो रहोगे तो मुझे लगता है कि मल्टीफोल्ड बिजनेस मॉडल बढ़ने वाला है और पोर्टफोलियो में भी अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। बिल्कुल सर, वो भी तब जब ये शेयर 40% ऑलरेडी जुलाई से सितंबर में चल चुका है नॉन लिस्टेड मार्केट में, $14 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू जोमेटो $30 बिलियन की, वो प्रॉफिट में है, ये लॉस में है। दूसरा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर स्विगी 40% चल चुका है, जोमेटो भी उसी रेंज में चल चुका है पिछले अगर 4-6 महीने का ट्रेंड उठाकर देखें, जब स्विगी लिस्ट हो रहा होगा तो सर जोमेटो पर फोकस करना चाहिए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है विद ग्रेटर मार्केट शेयर, या स्विगी के ही आईपीओ के साथ जाना चाहिए? देखो, ये इंडस्ट्री में नंबर वन नंबर टू दोनों में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज नंबर टू का टारगेट है कि वो नंबर वन होने के लिए हर चीज कोशिश करेगा इन टर्म्स ऑफ बाइटिंग। बट यस, जोमेटो के लिए कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, बिकॉज अक्वायरिंग क्लाइंट्स के लिए स्विगी ज्यादा कैश बर्न करके उसका मार्केट शेयर खाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है वी हैव टू बी इन्वेस्टेड इन बोथ, क्योंकि एड्रेसेबल मार्केट सेम है। आई थिंक द ग्रोथ इन ई कॉमर्स, ग्रोथ इन ऑनलाइन फूड डिलीवरी इज वेरी वेरी फास्ट। मुझे लगता है 40-50% का कैगर ग्रोथ लेके आगे 5 साल में ग्रो होने वाला है, तो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन बोथ, वी कैनॉट पिक वन अगेंस्ट द अनदर राइट नाउ। जी सर, जैप्टो, ब्लैंकेट, और मैं सुन रहा हूँ कि रिलायंस भी इस सेगमेंट में एंट्री कर सकता है। जैप्टो और ब्लैंकेट का तो चलो ठीक है, मार्केट एब्जॉर्व कर रहा है, लेकिन अगर रिलायंस एंट्री करता है तो हमेशा से जिस सेगमेंट में वो एंट्री करता है तो मार्केट एक बार तो वहाँ पर अर्थक्वेक टाइप की ही चाल आती है। क्या लगता है सर, ये खतरा होगा इन कंपनीज के लिए? मार्केट इतना बड़ा है कि वो एक बड़ा प्लेयर भी आ जाएगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा? देखो, हिस्टोरिकली आप देखो, टेलीकॉम कंपनी में भी जब ये जियो बन के आया तो भारतीय एयरटेल का वैल्यूएशन देखो और आज का वैल्यूएशन देखो। जब जब जियो आता है तो शायद वो नया चालू नहीं करेगा, मुझे लगता है कोई छोटा प्लेयर को अक्वायर करके ही विल मेक इट बिग। सो मुझे लगता है कि देर विल बी इंडस्ट्री कंसोलिडेशन और इंडस्ट्री बड़ा बन रहा है, तो जियो आने से, रिलायंस का एंट्री आने से मुझे लगता है कि और भी वैल्यूएशन बढ़ेगा इन दोनों कंपनियों के। मुझे लगता है इट इज वेरी गुड मूव, 3-4 और ऐसे कंपनी भी आएंगे तो इंडस्ट्री इज वेरी बिग। मतलब आज के जमाने में अभी भी हम लोग Tier 1 cities में ही जोमेटो, स्विगी, जेप्टो देख रहे हैं, Tier 2, Tier 3 में अभी तक वो ट्रेंड आया नहीं है। अगर वो इंडस्ट्री को टैप करना है तो वी नीड अनदर 2-3 स्विगीज और जोमेटो, 2-3 आने आने से भी इंडस्ट्री में कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, जब एक इमीडिएट एक्शन में आता है तो शायद दोनों स्विगी को और जोमेटो के लिए थोड़ा प्राइस एक्शन में 10-15% का मोमेंटम आ सकता है, बट ओवरऑल द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्टर। जी सर, मैं देख रहा था कि ये जो डो डैश करके कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, इसका अमेरिका में 60% मार्केट शेयर है। अब उनके पास तो और बहुत सारी कंपनी हैं, लाइक ऊबर ईट्स हो गया, अमेज़ॉन फ्रेश हो गया, तो बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं 60% के, और उसकी वैल्यूएशन जिसकी डो डैश जिसके पास 60% मार्केट शेयर है उसकी मार्केट वैल्यूएशन $59 बिलियन है, जो कि अभी भी जोमेटो उसके 50% पर ही काम कर रहा है। तो यानी कि जोमेटो के लिए स्कोप माना जाए, अमेरिका की पॉपुलेशन कहाँ 33-34 करोड़, हम 140 करोड़ लोगों का देश, तो हमारे पास तो बहुत बड़ा स्कोप है। Yes, I was about to come to the scope, because of the population, because of the growing habit, I think मैं वही बोला कि जोमेटो और एक जोमेटो भी आएगा ना तो इंडस्ट्री में अब्जर्व हो जाएगा। जी तो सर, कितना पोर्टफोलियो में अगर किसी को एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना है इस तरह की कंपनीज में, तो एक्स का कितना परसेंट हिस्सा उनको जोमेटो में रखें और कितना परसेंट हिस्सा वो स्विगी के आईपीओ में डालकर चलें? देखो, इंडस्ट्री को अगर मैं एलोकेशन देता हूँ तो अगर पूरे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 10% का मैं एलोकेशन दूंगा तो आई थिंक बोथ कैन बी 50-50, बिकॉज मार्केट शेयर इक्वल है, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इक्वल है, ये प्रॉफिटेबल है और नॉन प्रॉफिटेबल है। ऑब्वियसली नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी विल ट्राई टू बी प्रॉफिटेबल गोइंग फॉरवर्ड, तो मुझे लगता है कि 5-5% इक्वल वेटेज देना चाहिए ऑन बोथ विल ड्राइव दी पोर्टफोलियो। सर, जोमेटो को अभी खरीद सकते हैं या अभी कुछ वेट करना है?
आई थिंक टेक्निकली मुझे लग रहा है कि अगर ये जो आईपीओ के टाइम पे जो वैल्यूएशन में आएगा स्विगी, वी हैव टू ट्रैक दैट, बिकॉज जो लास्ट प्री आईपीओ का वैल्यूएशन है और जो आईपीओ के टाइम पे जो वैल्यूएशन आएगा, देयर मे बी सम काइंड ऑफ 10% प्लस और माइनस. तो वही हिसाब से अगर 240-250 के रेंज में अगर जोमेटो मिलता है बाई एनी चांस, इट्स ए गुड बाय. बिल्कुल, जोमेटो 280 पर चल रहा है और वो 480 90 पर चल रहा है, तो लगभग 200 रुपये आगे चल रहा है। लेकिन जिसका शेयर बड़ा है उसकी वैल्यूएशन बड़ी नहीं है, वो 14 बिलियन डॉलर की वैल्यू है और उसकी 30 बिलियन डॉलर की है। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना कि स्विगी का शेयर तो ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू कम क्यों है। तो वैल्यूएशन शेयर के आधार पर भी तय होती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो उसके लिहाज से वैल्यूएशन उसकी 14 बिलियन डॉलर की है और जोमेटो 30 बिलियन डॉलर का है। बिल्कुल, तो जोमेटो और स्विगी पर तो बात हो गई, लेकिन सर कोई और कंपनी आपके जहन में आती है जो लिस्टेड हो और यहाँ कोई भी किसी तरह की कोई कंपनी इसी सेगमेंट से या इस पर्टिकुलर थीम से जुड़ी हुई जो कि आपको लगता है कि वो ठीक है? तो ये जो QSR सेगमेंट है वहां पे जा सकते हैं, जो KFC का बिजनेसेस है, जहाँ पे सफायर इंडस्ट्रीज है, तो वो सब सेगमेंट भी देख सकते हो, और मैकडोनल्ड्स भी देख सकते हो वहां पे, जहाँ पे वेस्टर्न फूड का एक स्टॉक है, तो वहां पे वो भी अच्छा लग रहा है. बट ओवरऑल जो QSR एज अ सेगमेंट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट, जो आजकल के जो जमाने का जो हैबिट हो चुका है ईटिंग आउटसाइड इज ग्रोइंग वेरी फास्टर. तो मतलब मुझे लगता है कि पब्लिक बाहर जाने से जो ट्रेडिशनल होटल्स पे जाते नहीं है, दे वॉन्ट टू गो टू फास्ट फूड लाइक KFC, बर्गर किंग एंड ऑल दिस स्टॉक. तो ये जो सेक्टर है यहाँ पे अलोकेशन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से होना चाहिए. को पावर्ड बाई टेक्नो.